नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास। आए हुए हैं, गौ माता को कुछ खिला रहे हैं और गौ माता कितने प्यार से इन लोगों का प्रसाद खा रही है। देखिए, ये तो देखो मथुरा वृंदावन का प्रसाद। अरे वाह, देखिए कहाँ से आए आप, कहाँ से आए हो? हम लोग गुजरात बिहार से आए हैं, लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से? हाँ जी। ये डॉक्टर साहब की मिसेस है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत बढ़िया, हम तो आते रहते हैं। हम तो गौ भक्त हैं हम लोग तो, और लड्डा जी है जो इस गौशाला को देखते भी रहते हैं, जाजू जी, लड्डा जी। तो हमारा प्राय आना होता है इधर स्वामी जी के सानिध्य में, तो बहुत मज़ा आता है गौ के साथ। आज यहाँ पे बागेश्वर धाम जी? हाँ जी, हाँ जी, बागेश्वर धाम जी मतलब महाराज जी आ रहे हैं तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे गौशाला में। इसी अच्छे स्थान भी नहीं हो सकता है ना। गौ माता की जय, जय भारत। देखिए, गाय हमारी माँ है, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको एक तो दूध उसको अपनी माँ से मिलती है और दूसरा जो दूध मिलती है वो सिर्फ गौ माता से ही मिलती है। और अब तो साइंस भी प्रूव कर चुका है कि ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उस पर आप खाना बना के देखिए उसका स्वाद, और जो आप गैस पर खाना बनाते हैं उसका स्वाद देखिए, दोनों में अंतर है। इनका जो गाय का गोबर है वो आपको जैविक खाद बनाने में कितना उपयोगी है। आप वहाँ जाइए जहाँ पे जैविक खेती होती है, इनकी खेती जो गोबर जहाँ पे यूज किया जाता है खाद में, वहाँ पे आप देखेंगे उसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाना, क्वालिटी जो फूड की होती है वो इतनी बढ़िया हो जाती है कि आप कह नहीं सकते। तो कुल मिला के गौ माता हमारे लिए आज भी पूजनीय है, पहले से ये सनातन धर्म से परंपरा आ रही है। हम लोग तो इनके साथ ही बढ़ते हैं, पैदा होते ही हम लोग इन्हीं के साथ रहते हैं। तो जय श्री राम। आज बहुत पवित्र दिन है, श्री कृष्ण सुदामा गोरक्षा गौशाला में हम आए हैं। गाय भी मेरे हमारी हिंदू धर्म की सनातन धर्म की आस्था हमें यहाँ खींच लाई है। गाय के बारे में बोलना कुछ ही नहीं है, गाय हमारा माता ही जब दर्जा दिया हुआ है तो सब कुछ है, हमें पालनहार हमारा पालती है। दूसरे शब्दों में गाय की रक्षा, और आज विशेष दिन ये है कि बाबा बागेश्वर बाबा के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आप पधारेंगे थोड़ी देर में, उनका हम स्वागत के लिए लगे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम उनका दर्शन प्राप्त होगा और हम भी धन्य हो जाएंगे। जय जय गौशाला, जय गौ माता। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।